Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. In our previous video, we have read the noun. Today, we are going to read the noun number. हमने last year, last classes में भी numbers enter किए ना, तो वो आज हम number part करेंगे. So, start करते हैं. There are two types of noun number. A noun has two numbers होते हैं, singular, second one is plural. You know very well about singular and plural. One thing, one person is called singular. More than one person and one thing is called plural. Start from first, singular. A noun which denotes one person, place or thing is called singular. For example, pen, book, cow, boy, chair, table, leaf, man, etc. जो noun donate करता है, use किया जाता है कोई भी नाम या noun one person के लिए, एक person के लिए, एक जगह के लिए, कोई भी चीज, एक single चीज. जैसे एग्जाम्पल में बताया गया पेन है, सिंगल है ना पेन, ये पेंसिल है मेरे हाथ में, पेंसिल. बुक है, आपकी जो बुक दिखा रही हूं मैं, एक ही बुक है ना. काओ, बॉय, एक सिंगल चीज को जो वर्ड डोनेट करता है, जो नाउन डोनेट करता है, उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं. नेक्स्ट है प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. A noun which donate more than one person, place or thing is called plural. Example, pens. जैसे singular था ना pen, ज्यादा हो गए, बहुवचन pens. हिंदी में या पंजाबी में बोलते हो एक वचन ते बहुवचन. Singular एक वचन, plural बहुवचन. Pen से pens, book से books, cows, boys, chairs, tables, stories. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं plural. Plurals आर जनरली फॉर्म्ड बाई एडिंग एस और ई एस या वी ई एस लगाते हैं सिंगुलर में, और क्या बन जाते हैं वो प्लूरल. नेक्स्ट है जो चीजें आपने नोट करनी है, यहां पे नोट डाल के लिखा भी हुआ है, ओनली काउंटेबल नाउन्स हैज प्लूरल फॉर्म. जिनको काउंट मीन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हीं के सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स आएंगे. करेक्ट यूज रिगार्डिंग नंबर ऑफ नाउन, कैसे यूज करना है. नेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, देखो प्रॉपर नाउन का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, मटेरियल नाउन का है. ठीक है बेटा, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. कुछ है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज आते हैं, जैसे ये नेम प्रॉपर नाउन है, मेरठ, आगरा, द गंगा, सुरेश, टॉम, टीना, अमित, द ताज, यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा. ब्रेवरी, पॉवर्टी, एयर, ऑनेस्टी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं. प्रॉपर नाम जो हर किसी के नहीं होते, ब्रेवरी, गरीबी, ऑनेस्टी, ईमानदारी. मटेरियल जिस चीज से वस्तु बनी होती है, वुड, वीट, मिल्क, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स इफ यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म बिकम कॉमन नाउन. कहता है कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं. जैसे एयर मीन्स एटमोस्फियर, कॉपर मीन्स अ मेटल. ये है एयर. एयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहां पर हम एयर्स कर देंगे, मीन्स इफेक्टेड मैनर्स. कॉपर है, कॉपर को प्लूरल बना देंगे, कॉपर्स बन जाएगा, मेटल मेटल्स बन जाएगा. तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएंगे? कॉमन नाउन के फॉर्म में आ जाएंगे. नेक्स्ट है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल. कहते हैं कि कई जैसे आप कलेक्टिव नाउन आपकी टाइप इकट्ठवाचक के लिए वर्ड यूज करते हो, वो होता तो वर्ड सिंगल है बट यूज होता है प्लूरल थिंग्स के लिए. जैसे एग्जांपल में बताया था, पीपल ऑफ द सिटी आर वेरी जेंटल. पीपल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के ग्रुप को पीपल बोलते हैं. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, काओ के ग्रुप को बोलते हैं कैटल. मीन्स नेम तो एक है, सिंगल है, एसओडीएस कुछ नहीं लगा, बट ये यूज किसके लिए हो रहा है? प्लूरल थिंग्स के लिए. पोल्ट्री, हैन के ग्रुप को, वर्मिन,
कंपोस्ट सॉरी कीट होते हैं छोटे छोटे, उनके ग्रुप को वर्म जिनको बोलते हैं, जेंट्री एक्सेट्रा अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट है फॉलोइंग नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कहता है ये नाउन जैसे सिविक्स वर्ड है, इनिंग्स है, होते तो प्लूरल है, सो ये लगा था हम समझेंगे कि प्लूरल है, बट किसके लिए यूज होते हैं, स्विक्स एक सब्जेक्ट है मतलब कि सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, इनिंग्स भी सिंगल वर्ड के लिए, जैसे पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स फिजिक्स ये सारे देखने में प्लूरल लगते हैं बट यूज का होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। आप भी जानते हो कई हम नाउन चेंज नहीं करते हैं, नंबर चेंज नहीं करते हैं, जैसे शीप है शीप को भी प्लूरल भी शीप ही होता है, डियर का भी डियर ही होता है, ठीक है ऐसे ही है, डियर पेन फिश स्वाइन डजन हंड्रेड थाउजेंड ये सारे सिंगुलर फॉर्म में ही, प्लूरल भी इनका सिंगुलर जैसा ही आता है, कोई चेंज नहीं होता इनमें। आगे है कि कुछ वर्ड है, कहता है सम नाउन्स आर नेवर यूज इन प्लूरल देयर प्लूरल फॉर्म्स आर सेपरेट। कहता है कि कोई कभी भी प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में यूज नहीं होते, जैसे इंफॉर्मेशन है अल्फाबेट इसमें एस नहीं लगाते तो मिस्टेक्स आती है, ठीक है जैसे ये बॉक्स में दिखाया गया है कि सिंगुलर कैसे है प्लूरल, सीनरी ज्यादा में आ जाएगा सीन्स, पोइट्री ज्यादा में आ जाएगा पोइम्स, कई बच्चे आई एस लगाते पोइट्रीज कर देते हैं बट वो गलत होता है, पोइम्स लिखना है, काइंडनेस की जगह आएगा एक्ट ऑफ काइंडनेस, एडवाइस पीसीज ऑफ एडवाइस, मिसचीफ एक्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ मिसचीफ्स मिसचीफ, फर्नीचर पीसीज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के साथ ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बताया है डोंट यूज ऑलवेज यूज, देखो किलो किलोज नहीं लिखना, हमेशा किलो ही लगाना है, ठीक है बच्चे। फाइव ईयर्स प्लान ईयर नहीं ईयर आएगा, सिक्स ईयर्स ओल्ड बॉय ईयर आएगा ऐसे नहीं आना, फाइव रूपीज नोट रूपी नोट आएगा, ठीक है बेटा। जैसे आपके वर्ड होते फिश हेयर मोस्टली ये हम वैसे ही लिख देते हैं पर कई जगह पे यहाँ पे एस और एस लगा देता है, जैसे यहाँ नीचे बताया गया है कि फिश एंड हेयर बोथ मे बी इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल, सिंगुलर में भी आते हैं प्लूरल में आते हैं। वेन दे आर यूज कलेक्टिवली, जब इकट्ठवाच के रूप में यूज करते तो फिश का फिश और हेयर का हेयर ही आता है। वेन दे आर यूज टू रेफर सेपरेट थिंग, अगर कुछ अलग थिंग के लिए बताना हो स्पेसिफिक एक के लिए बताना हो तो हम एस और एस लगाते हैं, जैसे आई लाइक फिशेज ऑफ रेड एंड ब्लू की स्पेसिफिक बता रहे हो ना, सेपरेट कर रहे हो बाकी फिशेज से कि मेरे को रेड और ब्लू कलर की पसंद है। हिज वाइफ प्लग्ड थ्री ग्रे हेयर्स फ्रॉम हिज हेड, ग्रुप के लिए हेयर वर्ड बट बीच में व्हाइट हेयर की बात कर रहे हो, एक दो हेयर की बात कर रहे हो तो हेयर्स आएगा, ठीक है बच्चे। I hope you understand this. This is very easy. So you have to do noun number exercises. This is your homework. ठीक है बच्चे, ये वाली आपने exercise खुद solve करनी है। Next video में इसका मैं solution डालूंगी, पहले आपने खुद solve करके try करके देखना कि आप कर पाते हो, आपको समझ में आया है teacher ने जो भी पढ़ाया। Okay बेटा, I hope you understand. Bye, take care. और एक बात, जरूरी नहीं है कि नोटबुक पे नोट करो, आपकी बुक में से ही सारा करना है, नोटबुक पे राइट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम आपने वर्क करना होगा नोटबुक पे मैं बता दूंगी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।